हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ या फिर हम सीखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पीडी बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शंस। मैं आपको ये जो टॉपिक है पहले सिंपल वे में भी समझाऊंगा, जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और फिर जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन बन सकते हैं अलग टाइप के वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग में क्या नोट लिखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। If a given relation contains n arbitrary functions, then elimination of these arbitrary function gives PDE of order of n. अगर आपके पास n contents सबके पास अगर n arbitrary function है तो आपके पास PDE भी order n का आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन से। हमारे पास z is equal to xy plus function, इसे हमें इसको हमें eliminate करना है। Function x square plus y square where f is a arbitrary function, इस arbitrary function को हमें eliminate करना है। तो हमें z क्या दे रखा है, z दे रखा है is equals to xy plus function x square plus y square। अब हमें क्या करना है, इस function को differentiate करना है with respect to x and y। तो पहले x के सापेक्ष करेंगे तो del z upon del x, जिसका मतलब होता है p, और यहाँ से x y का करेंगे तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कांस्टेंट x का तो 1 हो जाएगा इन टू में, उसे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। और f इसका हो जाएगा f डैश x स्क्वायर y स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या जाएगा 2x, यानी कि ये प्लस का भाई इधर का क्या हो जाएगा p माइनस y स्क्वायर टू 2x f डैश x स्क्वायर y स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसी इक्वेशन फर्स्ट को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, डेल z ओवर डेल y का मतलब होता है q, और यहाँ से आपकी बार आ जाएगा x, और यहाँ से 2y f डैश x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि q माइनस x इज कॉस्ट 2y f डैश x स्क्वायर y स्क्वायर, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर हम इक्वेशन सेकेंड को थर्ड से डिवाइड कर दें तो ये आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो वही काम कर दिया है मैंने। तो p माइनस y अपॉन q माइनस x, इससे ये क्या हो जाएगा डिवाइड, और हमारे पास बचा है x अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड पीडीए मिल जाएगा पी वाई माइनस एक्स क्यू इसको टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ से हमारे फंक्शन एलिमिनेट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा अलग। एलिमिनेट आर्बिट्री फंक्शंस फ्रॉम जेड इसको टू, आपकी बार एक फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है, एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस जी एक्स माइनस ए वाई, वेयर यहाँ पर जो ए है वो नॉन जीरो है, फाइंड रिक्वायर्ड पीडी। तो ये हमारे पास जेड है, तो फिर से क्या करना है, एक्स के सापेक्ष आपको यूज करेंगे तो डेल जेड ओवर डेल एक्स, यानी कि पी, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एफ डैश सेम वही चीज़, और यहाँ से भी जी डैश सेम वही चीज़ आ जाएगी। वाई के सापेक्ष करेंगे डेल जेड ओवर डेल वाई का मतलब क्यू, तो यहाँ से वाई के सापेक्ष करेंगे तो एफ डैश एक्स ए प्लस ए वाई, और ए वाई इसका क्या जाएगा ए। सिमिलरली यहाँ से जी डैश एक्स माइनस ए वाई, और माइनस ए वाई का क्या जाएगा माइनस का ए। फिर दोबारा करेंगे इसका पी का डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं आर, तो यहाँ से आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, और इसी का जब हम डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स वाई करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं एच, तो वो आ जाएगा ए, तो ऑलरेडी है एफ, ये y है ना, हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं y का, x के सापेक्ष, तो f डबल डैश x प्लस ए वाई आ जाएगा माइनस a g डबल डैश x माइनस ए वाई आ जाएगा। अगेन डेल स्क्वायर z ओवर डेल y स्क्वायर करेंगे इस वाले टर्म का, तो a तो बाहर है, f डबल डैश x प्लस ए वाई हो जाएगा, और ए वाई का फिर से a आएगा तो a स्क्वायर कर देगा। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर g डबल डैश x माइनस ए वाई, बिकॉज ए माइनस था और माइनस ए वाई का माइनस ए दोबारा आएगा, वो बना देगा इसको ए स्क्वायर। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर क्या है, कॉमन है, अंदर आपका ये बचेगा, ये किसके इक्वल है, ये तो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, ये आर, यानी कि आपके पास जो रिक्वायर्ड पी डी होगा वो होगा टी स्क्वायर टू ए स्क्वायर आर। ये तो कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन फंक्शन एलिमिनेट करना सीखेंगे हम। देखिए वो क्या होगा, मैंने डेरिवेशन करके भी लिखा है, फार्मूला भी जनरेट करिए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर आए तो आप इसे कर सकें। अगर
आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, बाकी डायरेक्शन याद नहीं रखना है। कंसिडर फाइव यू वी इज़ टू जीरो अगर होगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, वेयर फाइव इज एन आर्बिट्री फंक्शन ऑफ यू एंड वी, वेयर यू आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई जेड, तो हमें एलिमिनेट कैसे करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा एलिमिनेट करने का। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर रिस्पेक्ट टू वाई। तो पहले करते हैं हम एक्स के सापेक्ष, तो देखिए डेल फाई ओवर डेल यू हो जाएगा, यहाँ पर डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल जेड इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। सिमिलर वे में वाई के सापेक्ष करेंगे तो जहाँ जहाँ डेल एल कर ली एक्स है वहाँ वहाँ कर ली वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन इसको ढंग से लिख देंगे, ये प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ मैंने यू डेल यू अपॉन डेल एक्स को लिखा है यू एक्स से, डेल यू अपॉन डेल जेड को लिखा है यू जेड से, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स हम जानते हैं क्या होता है पी। सिमिलरली ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, ये वी एक्स ये वी जेड और इसकी वैल्यू क्या होती है पी। सिमिलरली ये वाला इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या दे देगा यू वाई यू जेड और इसकी वैल्यू होती है क्यू। ये प्लस का इधर आके माइनस क्या हो गया, ये आपका वी वाई वी जेड और डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या होता है क्यू। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को डिवाइड कर देंगे तो सारा कटपिट क्या हमें ये बचेगा, फिर क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, इस वाले टर्म से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास कुछ ये बचेगा। ठीक है, तो अगर इसको आप डिटरमिनेंट और डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिखना चाहें, जैकोबिन के फॉर्म में लिखना चाहें, तो ये आता है आपका डेल यू वी अपॉन डेल जेड डेल वाई पी प्लस डेल यू वी अपॉन डेल एक्स जेड क्यू, और यहाँ से आ जाएगा डेल यू वी डेल एक्स वाई। देखिए इस तरफ माइनस है, अगर इसको माइनस को हटाना है तो इसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा वाई जेड और यहाँ से आ जाएगा जेड एक्स, तो यहाँ से भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा, दोनों माइनस कॉमन आ जाएंगे, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा डेल यू वी वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। ठीक है, जो कि कॉसी लीनियर पीडीए होती है फर्स्ट ऑर्डर की। और अगर बात करें ये किसका मतलब क्या होता है, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स डेल एक्स वाई का मतलब होता है यू का एक्स के सापेक्ष, वी का एक्स के सापेक्ष, यू का y के सापेक्ष, v का y के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएशन इस प्रकार से करना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्वेश्चन मैंने लिया है फॉर्म पी डी करस्पॉन्डिंग फाई कॉमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज़ टू जीरो वेयर फाई इज आर्बिट्री फंक्शन। तो देखिए हमारे पास जो u है वो है आपका एक्स वाई प्लस जेड और आपका v क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हमें जो जो चाहिए होता है यू एक्स यू वाई यू जेड हमने यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर लिया है और यहाँ पे भी वी एक्स वी वाई वी जेड निकाल लिया है, एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष जेड के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। अब हमें पी डी निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है ये होता है इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। अब हमें सबकी वैल्यूज पता हैं, अभी पीछे हमने निकाली है, उन वैल्यूज़ को हम पुटअप कर देंगे, पुटअप करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया हमने, करने के बाद दोनों तरफ से टू कॉमन आ जाएगा वो एलिमेंट हो जाएगा, तो आपको आपका रिक्वायर्ड पी डी मिल जाएगा। एक्सरसाइज के तौर पर मैंने क्वेश्चन दिया है, आप खुद ट्राई भी कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ में आया होगा, अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद जय भारत।